आज हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। इसको देखने से पहले हम लोग कुछ 3D डायग्राम से एक बार देख लेते हैं, जिससे हम लोग को आसानी से समझ आ जाए। आज हम देखते हैं ट्रांसफार्मर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे और इसमें कैसे EMF का इंड्यूस होता है। ठीक, तो इसके पहले आप यदि इलेक्ट्रिकल मशीन का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हो तो जाके पहले देख लीजिए कि इलेक्ट्रिकल मशीन में कितने टाइप्स के हमको लोग मशीन पढ़ना है। उससे पहले अब मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप जाके देख लीजिए और उसके बाद आप लोग फैराडे लॉ देख लीजिए, जिस पर ये EMF इंड्यूस का प्रोसेस होगा। दो चीज़ आपको क्लियर है तो इसका प्रिंसिपल बहुत ही ईजी होगा। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर। पहले समझते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल मशीन का एक पार्ट होता है अलग सा, जो एक स्टेशनरी पार्ट होता है। इसमें कोई भी डायनेमिक मूवमेंट या रोटेटिंग मूवमेंट नहीं होता। ठीक, इसमें क्या रहता है, सबसे पहले हम लोग को ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना है तो हम लोग को माइंड में ये रखना पड़ता है कि उसके लिए कोर चॉइस करना रहता है और एक वाइंडिंग चॉइस करना रहता है। ठीक, अब देखते हैं कि इसका कोर व वाइंडिंग कैसे चॉइस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। मोस्टली कोर ऐसे चॉइस करते हैं, उसके माइंड में ये रखते हैं कि उसमें हिस्टेरेसिस लॉस भी होता है और ईडी करंट लॉस भी होता है। अब हम लोग को कोर ऐसे चॉइस करना पड़ता है जो दोनों को रिड्यूस कर दे। तो हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए क्या करेंगे, सिलिकॉन स्टील का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, सिलिकॉन स्टील का। ये क्या करता है, इसकी परमेबिलिटी बहुत हाई होता है और रिलक्टेंस बहुत कम होता है। परमेबिलिटी हाई होने के कारण इसका मतलब ये है कि इसमें जब मैग्नेटिक फ्लक्स पास होंगे तो क्या करेंगे, उसके मटेरियल से होकर जाएंगे, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी बहुत हाई होता है। यानी इसमें हम लोग फेरोमैग्नेटिक का मटेरियल का यूज़ करेंगे। वो सबसे बेस्ट क्या है उसके लिए, सिलिकॉन स्टील। इससे हम लोग क्या करेंगे, कोर को डिज़ाइन करेंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, उसका हिस्टेरेसिस लॉस होगा और रिड्यूस हो जाएगा। अब सेकेंड आता है ईडी करंट। ईडी करंट लॉस को भी थोड़ा हम लोग कम कर सकें, इसके लिए क्या, पूरा निगलेक्ट तो होगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेटेड कोर बनाते हैं। कोर जो बना रहता है उसको लेमिनेटेड कर देते हैं डिवाइडेड फॉर्म में। माने जो एक कोर बना रहेगा वो पूरा एक फॉर्म में नहीं रहता, उसको एक डिवाइडेड फॉर्म में या लेमिनेटेड फॉर्म में करते हैं। जैसे इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक यू चाहिए और एक आई चाहिए, उसको मैड करके या सैंडविच करके हम लोग एक कोर बनाते हैं। ठीक, ये क्या रहेगा, जिसके कारण इसमें जो ईडी करंट लॉस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो कोर डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को दो चीज़ में माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक, अब इससे हम लोग उसका मटेरियल भी पता चल गया कि किस मटेरियल का उसका कोर डिज़ाइन होगा। अब दूसरा देखते हैं वाइंडिंग। अब वाइंडिंग है तो उसमें रेजिस्टेंस होगा ही, रेजिस्टेंस होगा उसमें करंट फ्लो करेंगे, जिसके कारण उसमें IR स्क्वायर लॉस होगा। अब IR स्क्वायर लॉस को तो पूरा निगलेक्ट तो नहीं कर सकते ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस ऐसा वाइंडिंग चॉइस करेंगे जिसका रेजिस्टेंस वेरी कम हो और उसकी कंडक्टिविटी हाई हो। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग कॉपर वाइंडिंग का यूज़ करेंगे। वो क्या करेगा, उसका रेजिस्टेंस लो होता है और कंडक्टिविटी हाई, जिसके कारण हम लोग का जो IR स्क्वायर लॉस होगा वो क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक, तो एक बेस्ट कॉन्सेप्ट ये है कि एक कोर एक वाइंडिंग के लिए ये कॉन्सेप्ट रहेगा, तो जिससे हम लोग एक ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर लिए, एक कोर यूज़ किए और एक वाइंडिंग। ठीक, अब इसके कारण एक हम लोग का ट्रांसफार्मर डिज़ाइन हो गया। अब क्या, इसके दो वाइंडिंग रहेंगे, एक प्राइमरी वाइंडिंग रहेंगे, एक सेकेंडरी वाइंडिंग रहेंगे। अब इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेप अप बनाना है या स्टेप डाउन बनाना है, वो आगे देखेंगे अभी। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग इसका प्रिंसिपल कैसा होगा, प्रिंसिपल देखने के लिए पहले देखते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो करेंगे और वोल्टेज फ्लो करेंगे या फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस होगा उसका नेचर्स क्या होगा। ये क्या है, इंडक्टर है। इंडक्टर में कोई भी करंट, यदि ये प्योर इंडक्टर है तो क्या करेगा, करंट को क्या करेगा, लैग करेगा। क्या करेगा, लैग करेगा, कितना की डिग्री, 90 डिग्री। तो हम लोग चाहे तो इसका करंट को हम लोग वी साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, यदि वोल्टेज क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी, आई क्या होगा, उसका करंट क्या होगा, आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, और फ्लक्स भी होगा IM साइन ओमेगा टी। यदि इसको लीडिंग नेटर, यदि आइडली हम लोग इंडक्टर ले या प्योर इंडक्टर ले तो क्या करेगा, 90 डिग्री लेट करेगा ये, सुनो 90 ले सकते हैं। यदि आप लोग दोनों तरीक़े से करें हम लोग का EMF इंड्यूस होगा ही। तो हम सबसे पहले इसको लेंगे। ठीक, कि माना कि उसमें करंट हम लोग का जो फ्लो किए वो IM साइन ओमेगा टी है और सप्लाई वोल्टेज VM साइन ओमेगा टी है, उसमें
फ्लक्स होने वाला प्रोड्यूस फाई एम साइन ओमेगा टी। तो हम लोग देखते हैं इसके प्रिंसिपल, ठीक, ये कैसे वर्क करेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इसका कंस्ट्रक्शन में। अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल कैसे इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये है हम लोग का ट्रांसफॉर्मर जो कोर और इसमें वाइंडिंग है। अब क्या करते हैं हम लोग, कर्व फिंगर देखे थे रूल, वो क्या बताता था, वो वाउंड वाइंडिंग से फ्लक्स का डायरेक्शंस को पता कर सकते थे। क्या करेंगे, जैसे इसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे, इसमें करंट क्या करने नेचर क्या रहेगा, इसमें जो करंट फ्लो रहेगा आई एस टी वो क्या रहेगा, आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक। अब क्या होगा, इसमें करंट फ्लो किए, अब करंट फ्लो करेंगे तो इसका हम लोग में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, लेकिन हम लोग को देखना है कि इसका फ्लक्स का डायरेक्शन किस हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग कर्व फिंगर का यूज़ करेंगे। अब कर्व फिंगर यूज़ करें तो इसमें वाइंडिंग किस टाइप हुआ है, इस टाइप, इसमें वाइंडिंग इस टाइप हुआ है, ठीक। तो जिसके कारण इसमें क्या हो जाएगा, ये वाइंडिंग है हम बोल दो, अब इसमें हम लोग ऐसे इस टाइप वाइंडिंग किए, इस टाइप हम लोग का वाइंडिंग हुआ है, तो जिसके कारण इसमें करंट का डायरेक्शन अप की ओर होगा, ठीक। इसमें कर्व फिंगर यूज़ करेंगे तो इस टाइप, इसमें वाइंडिंग इस साइड से हुआ है, तो इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन किस ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। तो इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज होगा, ये हम लोग का फ्लक्स प्रोड्यूस होगा यहाँ। ये फ्लक्स क्या रहेगा, प्रोड्यूस फ्लक्स फाई एम साइन ओमेगा, ठीक फ्रेंड। क्या किए, इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस, इसमें करंट फ्लो किए तो इसमें क्या हुआ, फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वो भी डायरेक्शन किस वाइज, क्लॉक वाइज। अब क्या होगा, फैराडे लॉ क्या बोला था कि जब कोई कंडक्टर है या स्टेशनरी कंडक्टर है उसमें फ्लक्स क्या होगा, कट होगा, तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हम यहाँ पर सब फैराडे लॉ लगाएंगे, ठीक, किसके लिए, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए। माने यहाँ पर इंड्यूस ई वन है, तो यहाँ पर हम लोग लगाए फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या बोलता है, पहले सेकेंडरी कॉइल के लिए लेते हैं, तो E1 इसमें इंड्यूस होगा, किसके होगा, यदि इसमें, अब इसमें क्या है, कॉइल का लूप है, तो इसलिए हम लोग N लेंगे, N1 के लिए d phi t डिवाइडेड बाय dt, ठीक। अब कुछ टाइम लगेगा फ्लक्स को कट होने के लिए। अब क्या है, इसमें फ्लक्स इंड्यूस, कौन सा फ्लक्स है, इसमें क्या फ्लक्स इंड्यूस हुआ, d phi m साइन ओमेगा टी, ये फ्लक्स उसमें प्रोड्यूस हुआ कितने डी टी टाइम में। तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इसमें फाई एम बाहर हो जाएगा। अब साइन का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक, ये हुआ। अब इसमें क्या है, जो फाई और सॉरी ओमेगा टी का एक बार और होगा डिफ्रेंशिएट तो क्या होगा, इसमें ओमेगा टी, तो हम लोग के पास ई वन हो गया माइनस फाई वन फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं, जो हम लोग मैथ्स में पढ़े थे फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, ये फाई एम ओमेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस 90 या पाई बाई टू, ठीक। अब इसमें एन वन फाई एम ओमेगा क्या होता है, ई मैक्स, इसमें मैक्सिमम ई एम एफ होता है, ये पीक वैल्यू, जो मैक्सिमम ई एम एफ होता है ई एम ओमेगा, ठीक। ये हम लोग का प्रोड्यूस मैक्सिमम ई एम एफ होगा, लेकिन हम लोग को क्या वैल्यू चाहिए, ई एम एफ का आर एम एस वैल्यू चाहिए। तो आर एम एस इजिकल टू क्या होता है, आर एम एस इज इक्वल टू होता है ई मैक्स डिवाइडेड बाय रूट टू। तो ई मैक्स क्या है हम लोग के पास, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, टू पाई एफ, ठीक। तो इसमें टू पाई एफ एन वन फाई एम और इसे रूट टू, तो हम लोग के पास आ जाएगा E1, आप कैल्सी में कर सकते हो, 4.44 फाई एन वन फाई एम। ये हम लोग का इंड्यूस होगा प्राइमरी साइड के कॉइल में, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक।
अब क्या हुआ, अब इसमें इंड्यूस हुआ तो ये म्यूचुअल प्रोसेस के कारण इसमें भी फ्लक्स इन क्या होगा, लिंक होगा। इसमें हम लोग कौन से मटेरियल का यूज़ किए हैं, हम लोग फेरोमैग्नेटिक जो स्टील आयरन का है, जो क्या करेगा, जो फ्लक्स को इसके बॉडी से पास कराएगा और इसमें भी कट करेगा सेकेंड वाइंडिंग में, जिसके कारण इसमें भी सेकेंडरी करंट फ्लो होगा, जिसके कारण भी इसमें क्या होगा, ये कॉइल में फ्लक्स कट करेगा, इसके कारण इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। और यह ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, ये इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस 4.44 F N2, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। ये हुआ इसमें सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस, यानी प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस E1 हुआ और सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस E2। ठीक, अब इसमें चेंजिंग क्या होगा, बस इसमें डिफरेंट होगा, ये प्राइमरी साइड के लिए ईएमएफ इंड्यूस है और ये सेकेंडरी साइड के लिए, बस इसमें चेंज होगा नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा कि उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक, यदि N1 को हम लोग ग्रेटर देन रखे N2 से तो ये क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यदि N1 लेस देन N2 से हो तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक, और यदि N1 व N2 इक्वल हो तो ये क्या होगा, इसको हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर के लिए इसको यूज़ करते हैं, जब दोनों का टर्न्स इक्वल हो तो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। इस प्रकार इसमें दोनों ईएमएफ इंड्यूस हो, यदि हम लोग इसको डिवाइड कर दे तो हम लोग को मिलेगा E1 डिवाइडेड बाई E2 और N1 डिवाइडेड बाई N2, यही होता है हम लोग का ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो इस प्रकार हम लोग इसका प्रिंसिपल देखें, किस प्रकार इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और इसको एक ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करने के लिए, इसे कोर और वाइंडिंग के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं, और आगे हम लोग देखेंगे कि इसका इसके इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे, इसमें लॉसेस देखेंगे कितने टाइप्स के लॉसेस होते हैं। तो अभी इतना ही काफ़ी है कि इसके प्रिंसिपल को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ करेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।